तो मैं आपको पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले जो है बटन मैपर, ये एक मतलब शॉर्टकट मेकर है, जैसे कि आप वॉल्यूम बटन से पावर बटन सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ कि वॉल्यूम बटन को, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन इनेबल्ड है और यहाँ पर डबल टैप जो ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने टॉगल फ्लैश लाइट इनेबल करके रखा है, जिसका मतलब है मैं जब भी ये पर डबल प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा फ्लैश लाइट जो है काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कहीं सेटिंग्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली मैं फिर से दोबारा डबल टैप कर देता हूँ तो मेरा जो टॉर्च है वो ऑफ है। तो फिलहाल दोस्तों ये था मेरा पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है SMS ऑर्गेनाइजर। ये भी बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपके सारे जो SMS है वो फिल्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल टैप एक दिया गया है, यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है मतलब जो बैंक अकाउंट के ज़रिए आपके पास SMS आते हैं वो सारे यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पर फिल्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है यहाँ से फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ऐसा ऑप्शन है, आप चाहे तो ब्लॉक भी किसी को कर सकते हैं कोई SMS को। और यहाँ पर ओनली सो अनरीड, मतलब अगर ये आप इनेबल कर देंगे तो आपके पास जितने भी अनरीड मैसेज है मतलब जो आपने रीड किया है वो शो नहीं होगा, जो अनरीड है वही शो होगा। तो ये बेहतरीन सा ऑप्शन है और मुझे ये बहुत ही काम में लगा, तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है इवरल सॉर्टर। अगर आप यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या फिर नॉर्मली किसी को आप हर रोज़ आपको ज़रूरत होता है कि आप जो इवरल है उस किसी को सेंड करें किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी वेब पेज का, तो वहाँ से अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना तो क्या होता है आपके पास जो मतलब उसका पूरा टोटल लिंक आपके पास आ जाता है तो बहुत ही घटिया दिखता है। तो आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट का यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिलहाल मैं इसी वेबसाइट का जो लिंक है उसे कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर कॉपी वर्ल मैंने कर लिया है, अब मैं इसी एप्लीकेशन में जाऊँगा और जाने के बाद सॉरी फोकसिंग का इशू हो रहा है तो क्लिक कर लेता हूँ। तो जाने के बाद यहाँ पर टैप कीजिए, टैप करने के बाद जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप सर्च करके इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद लिंक को मैं जनरेट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो लिंक है बहुत ही छोटा हो चुका है, मतलब कितना बड़ा था और कितना छोटा भी हो चुका है। और बैकग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि कौन सा लिंक आपको शो कर रहा है, उसका वेब पेज का व्यू भी आपको दिखा रहा है। तो आप नॉर्मली यहाँ से इसको शेयर या कॉपी कर सकते हैं, तो आई थिंक ये आपको काम आएगा। अब जो चौथा ऐप है मेरे लिस्ट में वो है लास्ट पास। तो ये एक पासवर्ड कीपर मैनेजर है, आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरा एक यहाँ पर एक अकाउंट मतलब सेव हो चुका है और आप यहाँ से अपना कोई भी पासवर्ड या फेसबुक हो, गूगल हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, किसी का भी जो आपका अकाउंट प्रोफाइल है यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिया जाता है आपको, आप यहाँ से सेव कीजिए। बहुत ही कमाल का ही है, फिर मतलब कभी भी आप अपना पासवर्ड जो है नहीं भूलेंगे। और अगर आप ज़्यादा अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये सच में आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला चीज़ है। अब जो लास्ट है मेरे लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ वो है, यहाँ पर इसका नाम है जॉटर पैड, मतलब ये एक नोटपैड के जैसा है लेकिन ये बहुत ही स्मूथ है और यहाँ पर बहुत सारा एडवांस सिस्टम भी इनेबल कर दिया गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नॉर्मली एक ब्लॉग लिख रहा हो या फिर कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा हो या कोई लिस्ट बना रहा हो तो यहाँ पर ये तो सारे ऑप्शन है ही। आप चाहे तो यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से जो रिसर्च ऑप्शन है कोई भी वर्ड को आप यहाँ से, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो उसका मीनिंग आप यहाँ से नॉर्मली निकाल सकते हैं। ऑनलाइन काम करता है तो आपका जो इनबिल्ट डिक्शनरी है वो इसके मदद से मिल जाएगा। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका करेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल ये बहुत ही कमाल का मुझे लगा और इसका आप चाहे तो
क्लाउड स्टोरेज भी यूज करते हैं अगर आप रजिस्टर कर लेंगे तो। तो क्लाउड स्टोरेज से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा और बहुत ही सच में बहुत ही काम आने वाला ये 5 ऐप। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक डाउनलोड लिंक दूंगा और ये जो सारे ऐप्स हैं ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो मैं प्ले स्टोर का ही लिंक दे दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।